Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Imam Study Circle. Today we are going to learn a chapter Apollo's Eyes from Ratnasagar English Reader for Class 7 CBSE. And this chapter is written by Sergun Srivastav. So let's start. Not understanding a language can cause misunderstanding and lead to a lot of pain. कहने का मतलब है कि अगर आप एक लैंग्वेज नहीं समझ सकते हो, आपको उस लैंग्वेज के बारे में जानकारी नहीं है, आप उसे ना बोलना जानते हो ना ही किसी के द्वारा बोले गए वर्ड्स को समझना जानते हो, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा गलतफहमियां पैदा करने पे मजबूर कर देता है और इससे बहुत सारा तकलीफ़ भी आपको उठाना पड़ता है। सपोज़ करो कि आप चाइना में हो और आपको चाइनीज़ बिल्कुल भी नहीं आती है ना, या आप रशिया में हो और आपको रशियन बिल्कुल भी नहीं आती, या फ्रांस में हो और आपको फ्रेंच बिल्कुल भी नहीं आती, तो आप बहुत सारा वर्ड मिसअंडरस्टूड करोगे, मतलब उसका मतलब कुछ और होता है, आप समझोगे कुछ और इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ उठाना पड़ सकता है। तो इस स्टोरी में भी वही है, इसमें एक ईरानी लड़का है जो कि एम्स्टर्डम नीदरलैंड में रह रहा है। पिछले 6 महीने से वो एम्स्टर्डम में रह रहा है, लेकिन जो वहाँ का डच लैंग्वेज है वह ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाया है, और उसको उसका एक बार झगड़ा हो जाता है, और उसमें 3 लोग होते हैं, 2 लड़के और 1 लड़की होती है, और उन लोगों से इसका झगड़ा हो जाता है, और वे तीनों लोग मिलकर इसको फोर्स करते हैं कि ये जो ईरानी लड़का है उन लोगों से सॉरी बोले, उन लोगों से अपोलोजाइज करे। तो वहीं से इस चैप्टर का हेडिंग आया है, इस चैप्टर का नाम आया है अपोलोजाइज। तो इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसका इंग्लिश से हिंदी अनुवाद भी देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हो, तो प्लीज़ वो जो रेड कलर का जो बटन होता है सब्सक्राइब बटन, उसे आप एक बार प्रेस करो, और जो बेल का साइन आता है उसे भी एक बार प्रेस कर दो, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। दे क्लोज्ड इन ऑन हिम, मतलब वे लोग उसके और करीब आए, उसके और पास आए। आपको मैं बता दूं, ये जो रेड शर्ट में जो लड़का दिख रहा है वही है ईरानी लड़का, ईरान का लड़का, और ये जो वाइट शर्ट में दिख रहा है वह उन तीनों लोगों में से, जो तीनों लोगों का जो ग्रुप है उनका वो लीडर है। तो वे लोग इसके और करीब आए, इसके और पास आए। टू बॉयज़ एंड वन गर्ल, इसमें 2 लड़के थे और 1 लड़की थी, ठीक है। साइलेंटली मिनांसिंगली स्लो विद देयर हैंड्स डीप इनसाइड द पॉकेट्स ऑफ देयर जीन्स, मतलब ये लोग अपने हाथों को अपने जीन्स के पैकेट में रखते हुए, अपने हाथों को पैकेट में डाले धीरे धीरे, मतलब उसको डराने के मूड में ना, धीरे धीरे जानबूझ कर धीरे धीरे चुपके से उसके पास आए, उसके करीब आए। द गर्ल स्पोक फर्स्ट, लड़की सबसे पहले बोली, इट वॉज हिम, हाँ ये वही लड़का है, इट वॉज हिम। सी पॉइंटेड एन एक्यूजिंग फिंगर एट द बॉय, उस लड़की ने इशारा करते हुए उस लड़के पर दोष लगाया कि ये वही लड़का था, है ना। ही किक्ड मी पर्पसली, इसने जानबूझकर मुझे लात मारी। आई एम श्योर, मैं बिल्कुल ही श्योर हूँ कि इसने मुझे जानबूझकर मारी है। He made me spill my lunch all over the place and ran away, leaving me to face the music. इसने मेरे लंच को चारों तरफ गिराने पर मजबूर कर दिया, मतलब इसने मेरे लंच को चारों तरफ गिरा दिया और मुझे छोड़कर भाग गया मुसीबत सहने के लिए, है ना, उस परेशानी में मुझे छोड़कर भाग गया। Face the music का मतलब होता है coping with the डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब परेशानियों से जूझना। तो इसने मेरे खाने को गिरा दिया और वहाँ से मुझे मुसीबत सहने के लिए छोड़कर भाग गया। द बॉय स्टेयर्ड एट हर, अब ये लड़का जो है ना उसको निहारने लगा, उसको घूर कर देखने लगा। हिज फेस अ मास्क ऑफ फियर एंड कॉन्सेंट्रेशन, अब इस ईरानी लड़के के चेहरे पर डर और क्या कॉन्सेंट्रेशन, मतलब डर और चेतना उसको सताने लगा, उसके चेहरे पर छा गया। उसको अब देखा कि 3 लोग उसके पास आ गए ना, उसे धमका रहे हैं, तो उसको जाहिर सी बात है उसको डर लगने लगा। ही हैडन्ट लर्न्ड मच डच इन द 6 मंथ्स ऑफ हिज स्टे इन एम्स्टर्डम डिस्पाइट द स्पेशल लैंग्वेज क्लासेस फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स इन द आफ्टरनून,
मतलब पिछले 6 महीने से वो एम्स्टर्डम में रह रहा है, ठीक है। और उन 6 महीनों में बजाय किए कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स थे, जो कि दूसरे देश से आए स्टूडेंट्स थे, उनके लिए आफ्टरनून्स में स्पेशल फॉरेन क्लास मतलब लैंग्वेज क्लासेस भी चलते थे, इसके बावजूद भी वह डच लैंग्वेज सीख नहीं पाया था ज़्यादा। His fist clenched and unclenched nervously as he desperately searched for words. अब देखो, जो उसके फिस्ट है, उसकी मुट्ठी जो है ना, कभी खुल रहे थे और कभी बंद हो रहे थे, एकदम desperately मतलब नाउमीदी में, कि और वो क्या कर रहा था, अपने दिमाग के अंदर, अपने thoughts के अंदर words search कर रहा था, मतलब Dutch language में, कि वो कैसे कुछ words निकाल पाए, कुछ words को अरेंज कर पाए ताकि वह इन लोगों को बोल सके कि हाँ मेरा दोस्त है या नहीं है और सिचुएशन क्या था, या लड़की सीधे सीधे उसको ब्लेम कर रही है, ठीक है। तो वर्ड्स की तलाश में उसके मुट्ठी खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। बट ऑल दैट केम टू हिम वॉज अ कन्फ्यूज जम्बल ऑफ ईरानियन फ्रेज। लेकिन वह जो भी अपने दिमाग के अंदर अपने जोड़ पाया, शब्दों को कलेक्ट कर पाया, वो डच लैंग्वेज ना होकर वो ईरानी लैंग्वेज था, ईरानी लैंग्वेजेस के कुछ फ्रेजेस थे और वो भी कन्फ्यूज्ड जंबल थे, है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं। ही बैक्ड अवे, और वह जब कुछ बोल नहीं पाया तो वह थोड़ा सा पीछे हट गया। हिज आईज डार्टेड अराउंड द एम्प्टी स्कूल यार्ड, और डार्ट मीन्स होता है जल्दबाजी में, तेज़ी में। अब उसकी आँखें जो थी ना, मतलब उसका नज़र स्कूल यार्ड जो कि एकदम बिल्कुल खाली था, उसके चारों तरफ उसने अपनी नज़रें दौड़ाई। नो बडी वॉज इन शाइट, और वहाँ पे कोई भी नहीं था, मतलब उसे कोई भी नज़र नहीं आया, नॉट इवन द हाउसकीपर, यहाँ तक कि स्कूल का जो देख रेख करने वाला था वह अभी वहाँ पे मौजूद नहीं था। लुक हियर यू बुली, अब इनमें से क्या कहता है, इन तीनों में से जो लड़का लीडर है, ये जो वाइट शर्ट वाला, वह कहता है इधर देखो गुंडे, बुली मीन्स होता है गुंडा। The leader's words hit him like a lash. और जब इसने कहा इधर देखो गुंडे, तो वह इतना डर गया, ऐसे लगा जैसे कि उसको कोड़े से मारा जा रहा हो, मतलब उस लीडर लड़के का, उनके ग्रुप का जो लीडर था, उसके शब्द उसको कोड़े जैसे लगे। लैश मतलब कोड़ा होता है, चाबुक। टीजिंग द गर्ल्स, ऐह, और वो लड़का कहता है कि तुम मतलब इतने गुंडे हो कि तुम लड़कियों को चिढ़ाते हो, हाँ कम ऑन अपोलोजाइज, चलो अब माफ़ी मांगो, तुमने जो किया है उसके लिए माफ़ी मांगो। द बॉय ड्रू बैक, लड़का और पीछे हटा। प्राउड है, अब ये लड़का कर अच्छा तो तुम्हें अकड़ है, तुम्हें घमंड है, तुम माफ़ी नहीं मांगोगे। द अदर बॉय स्नीयर्ड, और फिर दूसरे लड़के ने भी उसका मजाक बनाना, उसे टॉन्ट मारना शुरू कर दिया। अभी दूसरा लड़का क्या बोल रहा है, टू प्राउड टू अपोलोजाइज, हाँ प्राउड ऑफ वॉट यू पोटैटो, मतलब अच्छा तो तुम मतलब माफ़ी नहीं मांगोगे, तुम इतने घमंडी हो कि तुम माफ़ी नहीं मांगोगे, तुम अपोलोजाइज नहीं करोगे, किस बात की घमंड है यू पोटैटो, मतलब पोटैटो मतलब साधारण आदमी, आम आदमी को आप बोल सकते हो कि पोटैटो, तुम भद्दे आदमी, मतलब किस बात का तुम्हें घमंड है, भद्दे आदमी पोटैटो आप बोल सकते हो ऐसे। ही किक्ड द ग्रैबल, उसने क्या किया, ग्रैबल मतलब कंकड़, उसने कंकड़ को लात मारी। सेंडिंग अ हेल ऑफ शार्प पेबल्स फ्लाइंग एट द बॉय, और उन कंकड़ में से एक कंकड़ जो कि बहुत ही शार्प और नुकीला था, वो उड़ते हुए उस बच्चे को, उस लड़के को जा लगा जो कि ईरानी लड़का था। द बॉय स्टेयर्ड एट द चिल्ड्रेन बेबल्डर्ड, और लड़का घबराए हुए उन बच्चों को, उन तीनों को देखता रहा। नो ही मर्मर्ड नो, और वो क्या बोला, नो मतलब मर्मर मिस होता है बुदबुदाना, फुसफुसाना। अब जाहिर सी बात है उसको लैंग्वेज आती नहीं थी, तो वो अपोलोजाइज करता कैसे, तो वो सिर्फ नो बोल पा रहा था और बुदबुरा रहा था, नो नो अपोलोजाइज, इंसिस्टेड द लीडर। अब लीडर ने क्या किया, और जोर दिया कि अरे माफ़ी मांगो, ये नो नो क्या कर रहे हो, माफ़ी मांगो, तुम्हें अपोलोजाइज करना है। जैबिंग हिज फिंगर अंडर द बॉयज चिन, और उसने क्या किया, उस लड़के के ठुड्डी को अपने फिंगर से दबोच लिया, दबा लिया। अब फिर क्या बोल रहा है, कम ऑन अपोलोजाइज, चलो माफ़ी मांगो, है ना। इसको हम लोग हमारे यहाँ बिहारी लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि फफेला चाड़ देंगे हम तुम्हारा, है ना। ये थोड़ा सा ऑड है, लेकिन हमारे बिहार के लैंग्वेज में इसको ऐसे ही बोला जाता है, इक्के मुक्का मारा फफेलवे चाड़ दे, है ना। तो ये बिहारी लैंग्वेज था। तो उसके ठुड्डी को उसने अपने उंगली से
दबाया और उसको और ज़्यादा जोर देने लगा, और ज़्यादा प्रेशराइज करने लगा माफ़ी मांगने के लिए। द बॉयज़ लिप्स क्वेवर्ड, बच्चे के होंठ जो थे वो कांपने लगे, मतलब वो कोशिश कर रहा था कि शायद वो कुछ बोल पाए डच लैंग्वेज में, कुछ भी तो बोल पाए, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था तो उसके होंठ कांप रहे थे। शील्डिंग हिज फेस विद हिज हैंड्स, अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए, कवर करते हुए, ही रिट्रीटेड फर्दर, वो और पीछे हट गया। अपोलोजाइज द गर्ल एकोड विद अ क्रूअल स्मर्क, बेरहमी से हंसते हुए, स्मर्क होता है बनावटी हंसी, और क्रूअल मतलब बेरहमी, तो बेरहमी से हंसते हुए लड़की ने भी पीछे से आवाज़ लगाई, लड़की भी चिल्ला उठी कि अरे माफ़ी मांगो, अपोलोजाइज, माफ़ी मांगो, और इज इट अगेंस्ट योर प्राइड, क्या माफ़ी मांगना तुम्हारे शान के खिलाफ है जो तुम माफ़ी नहीं मांग रहे हो। अब देखो यहाँ पे कितना मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात है, वो बच्चा खुद माफ़ी मांगना चाह रहा है, वो अपोलोजाइज करना चाह रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, और इन लोगों को लग रहा है कि वो माफ़ी इसलिए नहीं मांग रहा कि वो क्योंकि वो घमंडी है या उसके शान के खिलाफ है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। द बॉय डिडंट आंसर, लड़का कुछ भी नहीं जवाब देता है। स्पीक अप द लीडर स्ट्रक द बॉय शार्पली ऑन द शोल्डर, उसके शोल्डर पर, उसके कंधे पर जोर से मारते हुए वो जो लीडर था उन तीनों का, वो क्या बोला है कि चलो बोलो, कुछ तो बोलो, अपोलोजाइज, माफ़ी मांगो। साइलेंस, फिर भी बच्चा चुप रहता है, फिर कहता है अपोलोजाइज, माफ़ी मांगो। द बॉय डिडंट मूव, लेकिन बच्चा हिलता भी नहीं है। द नेक्स्ट ब्लो लैंडेड ऑन हिज नोज, और जो अगला मुक्का पड़ता है वो उस ईरानी बच्चे के नाक पे जाकर पड़ता है। इट स्टिंग लाइक 1000 needles, और इतना जोर से लगता है जैसे कि 1000 सुइयां एक बार चुभाई गई हो। फॉर अ मोमेंट ही थॉट ही वुड क्राई, एक समय तो उसको ऐसा लगा कि वह अब रोने वाला है, वह रो देगा, बट ही डिडंट, लेकिन वह रोया नहीं। ही वाइप्ड हिज फेस विद द बैक ऑफ हिज स्लीव, अपने बाँह के जो स्लीव होता है ना, आपका जो कोहनी के नीचे वाला पोर्शन होता है, तो उसको एरिया को स्लीव कहता है, तो अपने स्लीव के बैक पोर्शन से उसने क्या किया, अपने चेहरे को, अपने आंसू को पोंछा। एंगर बर्नड इन हिम हॉट एंड एक्सप्लोसिव, और जो गुस्सा उसके अंदर था, जो गुस्से का उबाल उसके अंदर था, वो सब ख़त्म हो गया। दैट फ्राइटेंड हिम, और वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। अब देखो जो मुक्का पड़ा था वो उसने और ज़्यादा डरा दिया था उसे। कम ऑन वन ऑफ देम सैड ही इज़ आस्किंग फॉर इट, और उन तीनों में से एक लड़का क्या बोलता है, जो लीडर था उसका साथ में जो लड़का था वो बोल रहा है कि अरे यार ये तो मतलब ही इज़ आस्किंग फॉर इट, मतलब ये कुछ मार खाने की कोशिश, मतलब ये चाह रहा है कि इसे मार पड़े, नहीं मतलब चलो हम इसकी मुराद पूरी कर देते हैं, ये अगर चाह रहा है कि ये मार खाए तो चलो आज इसे हम अच्छा खासा पीट दे दें। दे फेल ऑन हिम पेलमेल, पेलमेल मींस होता है मतलब डिसऑर्डरली, मतलब आपको यहाँ पे बुक में दिया हुआ है इन अ डिसऑर्डरली मैनर, मतलब बिना तरतीब, मतलब दे फेल ऑन हिम पेलमेल पंचिंग हिम विद द नॉटेड फिस्ट, मतलब वे लोग उस पर टूट पड़े और उसको अपनी मुट्ठियों, बंद मुट्ठियों से मतलब मुक्के से पीटने लगे, मतलब वे लोग उस पर टूट पड़े। ब्लूज रैन डाउन ऑन हिम लेफ्ट राइट या डिशम, मतलब उसके उस पर क्या होने लगे, मतलब घूसों की बरसात होने लगी उस पर, लेफ्ट राइट चारों तरफ से। होल्ड इट, स्टॉप इट, अ वॉइस क्रैक लाइक अ व्हिप, अब एक जोरदार आवाज़ एकदम चाबुक की तरह आया पीछे से, और उस आवाज़ ने क्या आवाज़ लगाई थी, उस बंदे ने क्या आवाज़ लगाई थी, होल्ड इट, रुक जाओ, स्टॉप इट, रोको इसे, है ना। स्ट्रॉन्ग हैंड्स ग्रैब द चिल्ड्रेन बाय देयर कॉलर्स एंड पुल देम अवे, और वो जो आदमी था जिसने पीछे से आवाज़ लगाई थी कि रुक जाओ क्या कर रहे हो, उसने इन बच्चों को उनके कॉलर से पकड़ा और उठाकर दूसरे जगह हटा दिया। दे स्टूड देयर shifting uncomfortably, avoiding the eyes of the tall boy in the blue and yellow sweatshirt. अब देखो यहाँ पर आप इस पिक्चर से समझ जाओगे कि देखो ये रेड में ईरानियन लड़का है, ठीक है, ये रेड में ईरानियन लड़का है, और यहाँ पर एक लड़का और इसके एक पीछे लड़का और यहाँ पर एक लड़की, ये तीन लोग हो गए, और ये जो सबसे टॉल बॉय आया है इसी ने उस बच्चे को मार खाते हुए देखा था और इसने उसे बचाई, और इसने कहा कि ये लोग तुम लोग क्या कर रहे हो, है ना, और इसने इन तीनों को वहाँ दोनों को तीनों को हटा दिया
खींच करके, और जब इसने हटा दिया तो वे लोग क्या करने लगे, मतलब उससे नज़रें चुड़ाते हुए अनकम्फर्टेबली वहाँ से अवॉइड करते हुए हटने लगे, दूर हटने लगे, है ना। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, अब इसने पूछा कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। थंडर्ड जैन वैन डीमीर, और उस आदमी का नाम, उस लड़के का नाम क्या था, जैन वैन डीमीर, द कैप्टन ऑफ द स्कूल्स फुटबॉल टीम, और वो जो लड़का था वो स्कूल के फुटबॉल टीम का कैप्टन था। व्हाई हैव यू पिक्ड ऑन हिम, तुम लोग उस पर क्यों भिड़ रहे हुए हो, मतलब तुम लोग उसे क्यों पीट रहे हो, क्यों मार रहे हो। ऑल ऑफ यू, दिस इज नॉट द वे टू सेटल एन आर्ग्यूमेंट, तुम लोग, तुम सारे मिलकर उसको पीट रहे हो, किसी भी आर्ग्यूमेंट को, किसी भी बात को सेटल करने का, उसको सेटल डाउन करने का, उसको फिक्स करने का ये सही तरीका नहीं है। ही लुक्ड शार्पली एट द लीडर, उसने लीडर को गुस्से से देखा। व्हाई वेयर यू ट्रैशिंग हिम, तुम इसे क्यों पीट रहे थे, मुझे रीज़न बताओ। अब देखो, अब लीडर क्या बोल रहा है, ही स्टटर्ड द हेफ्टी बॉय, अब उस लड़के ने, हेफ्टी मीन्स होता है तगड़ा, जो लीडर था वो भी तगड़ा था, तो उसने स्टटर्ड मीन्स होता है हकलाना, तो जो लीडर था वो हकलाते हुए बोला, ही डजंट वॉन्ट टू अपोलोजाइज, कि यह माफ़ी नहीं मांगना चाहता है। यू सी क्राइड द गर्ल, ही हिट मी हार्ड, अब पीछे से लड़की भी बोल देती है कि आपने देखा कि इसने मुझे ज़ोर से मारा, है ना, इसने मुझे ज़ोर से मारा। द लीस्ट ही कैन डू इज़ अपोलोजाइज, कम से कम ये माफ़ी मांग सकता है, बट ही विल नॉट, लेकिन यह नहीं मांगेगा, यह नहीं मांग रहा है। द टॉल लैड टर्न टू द ईरानियन बॉय, अब ये लंबा सा लड़का जो कि जैन वैन डीमीर था, जो स्कूल कैप्टन था, वह किधर मुड़ा, ईरानी लड़के के सामने मुड़ा, इसकी तरफ मुड़ा। लुकिंग एट हिम विद डार्क सीरियस आइज, उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही गंभीर रूप से। कम ऑन बॉय, ही सेड काइंडली, मतलब आराम से बोला कि चलो बच्चे, चलो लड़के, है ना, रीच आउट अ हैंड एंड अपोलोजाइज, चलो एक हाथ निकालो, अपना हाथ बाहर निकालो और चलो माफ़ी मांगो। द बॉय डिडंट मूव, लड़का हिला भी नहीं। ही स्टूड देयर थिन एंड टेंस, वह वहीं पर एकदम टेंस खड़ा रहा, मतलब बिना कुछ बोले खड़ा रहा। ही ब्रो हिज ब्रोज निटेड, उसकी भौहें जो थी वो सिकुड़ी हुई थी। हिज लिप्स क्विवर्ड, और उसके होंठ थरथरा रहे थे, मतलब कांप रहे थे, वो वर्ड्स की तलाश में था। कम ऑन अर्ज जैन वैन डीमीर, और ये इस लड़के ने, स्कूल कैप्टन ने उससे विनती की, कम ऑन यार, चलो माफ़ी मांग लो, बी ए स्पॉटी बनो, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओ, माफ़ी मांग लो। अपोलोजाइज टू दीज वाइल्ड कैट्स, अब देखो वाइल्ड कैट्स उन लोगों को कहा जाता है जो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर होते हैं। अ पर्सन हु इज़ अ शॉर्ट टेम्पर, हु लॉसेज हिज टेम्पर इन अ सेकेंड, यू कैन से, एक आदमी जो कि मिनटों में, सेकेंडों में गुस्सा हो जाता है, उसको वाइल्ड कैट्स कहा है। तो इन वाइल्ड कैट्स से, इन गुस्से भरे लोगों से तुम माफ़ी मांग लो। The dark eyes of the Iranian boy filled with misery, और ईरानी लड़के के जो काली आँखें थी वो दुख से, तकलीफ से भरी हुई थी। He swallowed hard, उसने अपने सारे गुस्से को, सारे गम को पी गया। Come on boy, why don't you, अब ये लड़का बोल रहा है, लंबा वाला लड़का, स्कूल कैप्टन, कि अरे लड़के क्यों नहीं, मतलब तुम माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे हो। A dry sob broke from the boy's lips. No, अब इतना होने के बाद लड़का ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रो पड़ा, चिल्लाने लगा, रोने लगा, और क्या बोल रहा है, नो, अब वो सिर्फ बोल रहा था नो, मतलब शुरू से अभी तक सिर्फ नो ही बोल पा रहा था। और फिर ये लड़का बोल रहा है, जैन वैन डीमीर, वाई नॉट, क्यों नहीं, फॉर गॉड सेक वाई नॉट, भगवान के लिए बता दो कि तुम क्यों नहीं माफ़ी मांग रहे हो भाई, है ना। Because the boy's voice rose, और लड़के की आवाज़ थोड़ी सी ऊँची हुई, अपने आवाज़ को थोड़ा सा ऊँचा करते हुए लड़का बोला, क्योंकि Because I not know apologize, मुझे नहीं पता कि apologize क्या होता है। I no understand apologize, अब ये लड़का बोल रहा है कि I no understand apologize, मुझे apologize समझ में नहीं आता है। I speak little Dutch, very little, मुझे डच बहुत ही कम आता है, बहुत ही ज़्यादा कम। प्लीज़ फॉरगिव, कृपया मुझे माफ़ी मांग
कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, है ना। तो फाइनली यहाँ पर वो सिर्फ इतना बोल पा रहा है कि प्लीज़ फॉरगिव। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। दिस वॉज रिटन बाय सिरगुन श्रीवास्तव। सिरगुन श्रीवास्तव इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। सो हाउ इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। आई बेग यू, आई रिक्वेस्ट यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।